नेक्स्ट जो आपकी बुक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, सॉरी एडवांस अकाउंटिंग की, एडवांस अकाउंटिंग में एक नेक्स्ट टॉपिक आपका बनाया उन्होंने, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। हम लोग कंपनी में तो देखते ही हैं कि कंपनी अपनी इनकम दिखाती है ऑलवेज, कोई बंदा इनकम टैक्स में दिखा रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल बंदा तो इनकम टैक्स पे करता है अपनी सैलरी जितनी हुई, जहाँ जहाँ उसको पैसा मिला उन सभी चीज़ों में, जो चीज़ें डेप्रिसिएशन लगने वाली है या फिर जो चीज़ें माइनस होने वाली है माइनस करने के बाद हम लोग नेट टैक्सेबल इनकम दिखाते हैं। कंपनियों में भी ऐसा दिखाया जाता है कि हमारी टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, उसमें खर्चे डाले, जो इनकम है वो माइनस कर ली, जो इनकम है उसमें से खर्चे माइनस कर लिए, जो बच गया उसके ऊपर हम लोग टैक्स पे कर देते हैं। लेकिन इसमें एडवांस में उन्होंने सेटअप किया है, उन्होंने कोई पॉइंट दिखाया भी एडवांस अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम कैसे का स्कोप, इनकम टैक्स अकाउंटिंग शुड फॉलो दिस स्टैंडर्ड। इनकम टैक्स में क्या यूज़ किया जाता है कि इंक्लूड फिगर आउट द कॉस्ट ऑफ सेविंग एश्योर्ड विद इनकम टैक्स गिवन अकाउंटिंग पीरियड एंड डिस्क्लोजिंग दैट द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकम टैक्स में ये स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है कि आपकी जो जो भी इनकम है उस इनकम को इकट्ठा कीजिए, जो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो आपको कंसेशन मिलने चाहिए, जैसे एक सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग एग्जम्पशन है, उन इनकम को माइनस कर लो तो आप लोग हमारा इनकम टैक्स दिखा सकते हो। उसके बाद ऑल डोमेस्टिक इंटरनेशनल टैक्सेस दैट इज बेस्ड ऑन टैक्सेबल इनकम ऑन कंसिडर इनकम टैक्स, हम इनकम टैक्स में ये देखते हैं कितनी हमारी डोमेस्टिक इनकम है कितनी इंटरनेशनल इनकम है, उसके ऊपर भी कहता हम लोग अलग अलग स्टैंडर्ड अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कहता भी सारी इंटरनेशनल भी इनकम आपके पास आए आप उसको भी इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग करो, उसमें कहता अलग स्टैंडर्ड अप्लाई होना चाहिए, अगर इंटरनेशनल पेमेंट है उसका अलग से टैक्स होना चाहिए। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट आउटलाइन व्हेन और हाउ बिजनेस स्टैंडर्ड अकाउंट ऑफ टैक्स ड्यू ऑन डिविडेंड सब्स्टिट्यूट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द बिजनेस मेकर्स, कहता है ये स्टैंडर्ड हम बिजनेस में सेम अप्लाई नहीं कर सकते जो आप इनकम टैक्स में अप्लाई कर रहे हो। आजकल मोस्टली कंपनियों में ऐसा चलता है कि बिजनेस में जो इनकम है सीधा 30% जो टैक्स अप्लाई हो गया उसके हिसाब से चलता है, कहता है बिजनेस में जो इनकम दिखाई जाती है कई बार उन इनकम के ऊपर एक्चुअल में सेम टैक्स वैसा लगना चाहिए वो चीज़ नहीं दिखाई जाती। इसमें एग्जाम्पल ज़्यादातर उन्होंने डेफर्ड टैक्स रेवेन्यू की दी हुई है, डेफर्ड टैक्स डेफर्ड एक्सपेंसिव समझ तो क्या होते हैं डेफर्ड एक्सपेंसिव रेवेन्यू एक्सपेंसिव जिनको बोला जाता है, जैसे कि जो खर्चा आज हम लोग आज करने जा रहे हैं उसका बेनिफिट आने वाले कितने सालों में आपको होने वाला है उसको डेफर्ड टैक्स रेवेन्यू बोला जाता है, डेफर्ड एक्सपेंसिव भी बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल आजकल कंपनियाँ कोई खर्चा करती हैं अभी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, वो एडवर्टाइजमेंट जो आज करवाएगी मान लो किसी एक्टर को किसी रोल मॉडल को हमने जो पैसे दे दिए बार बार तो देते नहीं, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट आप आने वाले 2-3 साल चलाते चले जाते हैं जिससे आप पैसा कमाते हो। तो उस बेस पे इन्होंने टॉपिक बनाया कि अगर ऐसा कुछ कंपनियों में है जो इनकम्स हैं तो उनको डिटरमाइन किया जाए, उनको अलग अलग हेड में रखा जाए, उनके प्रॉफिट को उसी हिसाब से दिखाया जाए, एक ही साल में मत दिखा दो जिसका प्रॉफिट अभी आया भी नहीं आप उसको भी दिखा दो या खर्चे उतने दिखा दो, तो उनको खर्चों को सेग्रीगेट करो जिसका आपको कहता एडवांस अकाउंटिंग में बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है। इन्होंने दिखाया अभी सबसे पहले टैक्सेबल इनकम, टैक्स लॉ आर फॉलोड वाइल डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम, हम टैक्स लॉ को मतलब डील करते हैं जब भी टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अकाउंटिंग सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ से भी हमें इनकम जनरेट हो रही है उसको इकट्ठा करते हैं। अकाउंटिंग एरिया में कहता कई बार डिफरेंट डिफर भी हो सकती हैं, जैसे कि एग्जांपल बोला कि मैंने डेफर्ड टैक्स रेवेन्यू के बारे में बोला, आपके पास जो खर्चा आज कर लिया उसका इनकम तो आपको आने वाले सालों में बना होता है, आप ऐसा बोल थोड़ सकते हो आपने खर्चा तो पूरा दिखा दिया 1 लाख रुपये मेरा खर्चा लग गया किसी रोल मॉडल को अपने पैसे दे दिए, लेकिन इनकम तो पहले साल में कम कमाई, तो वो खर्चा भी अगर कम करके दिखा लो तो बेनिफिट ज़्यादा होता है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो जाए उसकी, या किसी बंदे को जो पैसे देने हैं उसको पहले बोल दो पहले साल इतने मिलेंगे दूसरे साल इतने मिलेंगे तीसरे साल इतने, तो खर्चे उसको सेग्रीगेट कर लो तो टैक्सेबल इनकम प्रॉपर निकल के आ जाएगी आपके पास, कितनी आपको इनकम हुई और कितना आपको लॉस हुआ, ये भी हम लोग सेटअप कर सकते हैं। परमानेंट डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस कैन बी यूज फॉर कैटेगरी डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम, अगर कहते टाइम के हिसाब से खर्चे हो जाएँ तो बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि हम लोग कुछ खर्चों में देखते हैं ना प्रीपेड एक्सपेंसिव निकाल लेते हैं, जैसे इंश्योरेंस करवाइए उसमें टाइम हमेशा देखते हैं कब इंश्योरेंस करवाएगी, कुछ कंपनियों में देखते ही नहीं, आज मान लो इंश्योरेंस करवा लिया आपने, वैसे तो रेयर कंपनी में सारा कुछ चलती है लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो चीज़ें नहीं सिखाई जाती, जैसे एग्जाम्पल बोले कॉलेज लाइफ में नहीं स्कूल लाइफ में नहीं सिखाया जाता कि प्रीपेड एक्सपेंसिव कैसे निकालना है, इंश्योरेंस 1 मई को करवा रहे हो ख़त्म को होगी 30 अप्रैल में, 1 महीना तो आपके पास है आप पूरा खर्चा 1 साल में कैसे डाल दोगे, तो वो भी अकाउंटिंग निकालने का रूल है, तभी टाइम डिफरेंस हमेशा होना चाहिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग। फॉर टैक्स रीजन मशीनरी परचेज फॉर बिजनेस रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च इज फुली डिडक्टेबल इन फर्स्ट ईयर, हाउएवर द सेम एक्सपेंसिव वुड बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन ओवर द कोर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। टैक्स रीजन में क्या होता है कि तो मशीनरी अगर आज आप खरीद रहे हो एज ए रिसर्च टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है तो उसकी तो वैल्यू ऐसा होता है कि पहले साल में डिडक्ट हो जानी चाहिए सारी क्योंकि आपने रिसर्च के लिए यूज़ की है, लेकिन कंपनी में क्या हो रहा है कि उसको साल भर दर साल डेप्रिसिएशन में यूज़ कर रहे हैं,
डेप्रिसिएशन भी यूज करते हैं, कहता है यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग जब तक वो चलती चली जाती है तब तक यूज करते चले जाते हैं। लेकिन कहता है अल्टरनेटिव ये ऑप्शन हो सकती है कि अकाउंटिंग बिजनेस एक्सपेंसिव में यूज कर लो आप लोग, अगर वो मशीन का खर्चा डालना स्टार्ट कर दो, जो थोड़ी अप्रिसिएशन दिखा दो, उसकी वैल्यू को डाउन करना है, सारी वैल्यू एक बार में खत्म कर दो तो उसका बेनिफिट ज्यादा हो सकता है आपको। स्ट्रेट लाइन अप्रोच इज यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अकाउंट्स में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पर्पस को यूज करना चाहिए, उसमें हम लोग यूज करते हैं कि अपने इनकम को कैसे हम लोग कम दिखा सकते हैं। बहुत सारी कंपनी में ऐसा ही होता है कि जानबूझ के डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में दिखा देते हैं, जबकि रिटर्न डाउन में लगनी चाहिए, ये भी इसमें क्लियर किया उन्होंने। सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंट जजमेंट अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लॉसेस कैरिड फॉरवर्ड कैन ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम आर लाइकली रिकॉर्ड एज टाइमिंग डिफरेंसेस एंड प्रोडक्ट्स डेफर्ड टैक्स एसेट्स। कुछ कंपनी में ऐसा होता है कि लॉस अब हो गए हैं, वो लॉस को कवर करने के लिए अगले सालों में लेके जाते हैं, कहते तो लॉस को कवर करना अगेंस्ट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम में कवर हो सकता है, लेकिन उसमें हमें टाइमिंग डिफरेंसेस भी देखने पड़ेंगे, हर बार टाइमिंग ये जैसे नहीं रहती है। हो सकता है कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी आपके पास हों, जैसे ही खर्चे आज किए हैं आपने, वो खर्चे लगातार आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो इनमें टाइमिंग हमेशा चेक करनी जरूरी है। रिकॉग्नाइजेशन कैसी होगी, भी कहाँ पर किस चीज़ को हम लोग अलग से फाइंड कर सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन के लिए उन्होंने अलग अलग पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहले व्हेन कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड नेट प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स एक्सपेंसिव विच इंक्लूड बोथ करंट एंड डेफर्ड टैक्स मस्ट बी टेकन इन अकाउंट। आपकी कंपनी में जो भी खर्चे हुए हैं, जैसे उन्होंने बोला कि बोथ करंट और डेफर्ड, इनको हमेशा कहता है अलग से अकाउंट में लेना जरूरी है। कुछ बंदे होते हैं कि डेफर्ड वालों को छोड़ देते हैं, सिर्फ करंट में जो खर्चे उनको लेने हैं, डेफर्ड वालों को भी साथ में लेना जरूरी है, तब आपकी कहता रिकॉग्नाइजेशन हो सकती है। मनी टैक्सेस आर अक्यूड इन सेम पीरियड एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिव टू विच दे अटेन एंड रिगार्डेड इन सेम एक्सपेंसिव इंक्लूड द फर्म इन प्रोड्यूसिंग मनी। कुछ पैसे कहता कंपनी में ऐसे होते हैं, कंपनी में इनकम जनरेट करने के लिए लगाए जाते हैं, कुछ पैसे ऐसे होते हैं जिन्हें खर्चों में यूज किया जाता है, उनको भी कहता कंपनी में प्रोडक्शन मशीन में यूज करते हैं। अगर उनको इकट्ठा हम लोग एक मैचिंग कंसेप्ट में यूज़ कर लें, जैसे कि बैलेंस शीट में दिखाते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको कहते आप लोग दिखा देते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस में, कुछ खर्चे होते हैं आपके बैलेंस शीट में भी शो होते हैं जिसको प्रीपेड एक्सपेंसिव हम लोग बोलते हैं, तो ये कहता आपकी टैक्सेबल इनकम मैच नहीं करते। आप लोग प्रीपेड दिखाने वाले क्यों होंगे, तो उन खर्चों को जो बैलेंस शीट में दिखा रहे थे भी हम लोगों को जैसे बोलते हैं अकोमुलेटेड इनकम, अभी इनकम आई नहीं है लेकिन आएगी, वो बैलेंस शीट में शो हो रही होती है आपके पास, क्रेडिट कार्ड में भी पैसे आएंगे, फ्यूचर में आएंगे, तो उन लोगों चीज़ों को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप प्रीपेड खर्चे हैं तो उनको भी टाइमिंग अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो पहले से ही, उस बंदे का जिसको पेमेंट करनी है उसको एडवांस दो ही मत, कम ही दे दो तो आपको बेनिफिट ज़्यादा। किसी बंदे को 10,000 रुपये रेंट देना है, रेंट आप उसको 40,000 दे दे रहे हो, देना ही क्यों, उसको बोलो कि हमें अपनी इनकम भी तो दिखानी है भाई, हम उस चीज़ को सेटअप नहीं कर सकते, आप उसको बैलेंस शीट में मत दिखाओ, खर्चों में एडजस्ट दिखाओ, तो प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन होते हैं आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है। एन डाइट आइटम इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज डिडक्शन। कुछ चीज़ें कहता प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे ऐसे ऐड कर दिए जाते हैं जो डिडक्शन में होते ही नहीं। इनकम टैक्स का रूल ये बोलता है कि अगर कोई बंदा अपनी इंडिविजुअल इनकम दिखा रहा है, कंपनी में ऐसा ही होता है कि आप कुछ खर्चे ऐसे, बहुत सारे खर्चे ऐसे डाल देते हो जो डिडक्शन में होते ही नहीं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का रूल ये कि सारे खर्चे एक तरफ इनकम में तो माइनस करके प्रॉफिट आ गया उसके ऊपर टैक्स भरेंगे, तो ये रूल नहीं है। एडवांस टैक्सेबल इनकम कहते हैं निकालने, तो इन चीज़ों को कहते खर्चों को अगर कंपनी में बेस करना तो उनको भी स्टेटमेंट सेटअप करनी पड़ेगी, भी खर्चे कौन कौन से इसमें आपके बिजनेस के रिगार्डिंग है वही डालें तो बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है, तो उसके टैक्सेबल इनकम आपकी प्रॉपर फाइंड करी जा सकती है। उसके अलावा परमानेंट डिफरेंस नाइदर प्रोड्यूस और नो रिजल्ट इन डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी। जब हम लोग परमानेंट डिफरेंस दिखाते ही नहीं है भी कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो प्रोडक्शन में यूज होने वाले हैं और किन का बेनिफिट हमें फर्दर फ्यूचर में मिलने वाला है, इन खर्चों को भी दिखाना जरूरी है तो बेनिफिट मिल सकता है आपको इनकम टैक्स में। उसके बाद टाइमिंग डिफरेंस शुड बी रिकॉग्नाइज एज डेफर्ड टैक्स सब्जेक्ट टू दी प्रूडेंट मैनेजमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अगर आपने कोई डेफर्ड टैक्स एसेट जैसे मैंने एग्जाम्पल में खर्चा किया है तो उसमें टाइमिंग इशू भी आपको देख के चलना होगा भी कितने टाइम के लिए वो खर्चा किया है। अगर उसका वैल्यू आपको पता है कि आज मैं कोई एडवर्टाइजमेंट करवा रहा हूँ, डेफर्ड टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं इसको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसिव भी बोल सकते हैं, आज मैं एक्सपेंसिव कर रहा हूँ तो आने वाले 4 साल कम से कम ये मेरे को दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, तो टाइम के अकॉर्डिंग बांटो उस खर्चे हुए था। आप सारा खर्चा एक ही बार में डाल दोगे तो आपकी इनकम तो शो होगी नहीं, तो आप लॉस में भी जा सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी कुछ कंपनी जानबूझ के ऐसे लॉस भी शो कर लेती हैं कि खर्चे ज़्यादा डाल दिए इनकम शो ही नहीं है, तो इस चीज़ों को दूर किया जा सकता है उसमें। उसके बाद डेफर्ड टैक्स इज रिकॉग्नाइज इन द ईयर दैट टाइमिंग डिफरेंस फर्स्ट ओकर इन रिलेशन टू द टाइमिंग डिफरेंस दैट चेंजेस आफ्टर टैक्स हॉलीडे पीरियड। आपका टैक्स हॉलीडे पीरियड के हिसाब से उसको एडजस्ट करना जरूरी है, मैंने पॉइंट पहले ही आपको इसमें क्लियर कर दिया। फॉर ईच एंड एवरी टाइम डिफरेंसेज, हर बार डिफरेंसेज होंगे, अगर आज आपने कोई चीज़ मान लो खर्चा किया डेफर्ड टैक्स में, पहले साल में आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते सारी पेमेंट डाल दो, अगले साल में कुछ पेमेंट डाल दो, तीसरे साल में थोड़ा और कम होगा,
जब लोगों का टेस्ट डाउन होना शुरू होता है तो सारी लोन खत्म करके फिर दोबारा से उस टैक्स को डाल सकते हैं। डिटरमाइनेशन ऑफ वेदर टैक्स इज वर्चुअल सर्टेनिटी डेट विल बी इनफ फ्यूचर टैक्सेबल इनकम इज मैटर जजमेंट बेस्ड। ये चीज़ हमेशा ध्यान के चलनी होगी, आपको वर्चुअली सर्टेनिटी पता होनी चाहिए कि जो हम चीज़ें फाइंड करने जा रहे हैं कि उसका फ्यूचर टैक्सेबल इनकम पर हमारा इफेक्ट पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला। अगर आज सारे टैक्स को सॉरी सारे खर्चे को आज दिखा दोगे तो मे बी आज आपका टैक्स कम हो जाएगा, लेकिन अगले साल में लॉस होगा ही होगा, फिर अगले साल में टैक्स बढ़ जाएगा। तो वो डेफर टैक्स वाले को कहता है अगर साल भर दर साल आप खर्चे में यूज़ कर लोगे तो उसका बेनिफिट होगा कि हर साल आपके ऊपर एक तो बर्डन नहीं होगा इनकम टैक्स पे करने का, रेयरली थोड़ा थोड़ा टैक्स आप पे करते चले जाएंगे। फॉर द प्रूफ ऑफ कंसीडर परसुसिस इट मस्ट बी रेडली अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एंड टेंजिबल फॉर्म। आपके पास इसका कहता प्रूफ भी होना चाहिए, जब भी कोई बंदा देखना चाहे तो उसको प्रूफ दिखा सके कि एक्चुअल में हर साल उसका इस चीज़ का ये बेनिफिट हो रहा है। लॉस अमर्जिंग अंडर द कैपिटल गेन्स, कई बार ऐसा होता है कि कैपिटल गेन में हमें लॉस हो जाता है। कैपिटल गेन समझते ना, आपने कहीं पैसा लगाया कंपनियों में होता है, मोस्टली हम नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। आप लोगों ने मैंने शॉर्ट साइडिंग में पैसा लगा दिया या किसी स्पेकुलेटिंग में पैसा लगा दिया उसमें मुझे लॉस हो गया, वो आप लोग कवर नहीं कर सकते। लेकिन कैपिटल गेन उसकी कंपनी ने पैसा लगा दिया उनको लॉस हो गया तो लॉस को आगे कंपनी एडजस्ट करते हैं अगले आने वाले साल प्रॉफिट में। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इस चीज़ को भी सेटअप कर सकते हो। लॉस को कवर कैसे करना है, फॉरवर्ड ऑफसेट अगेंस्ट कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो इनकम टैक्स में बने हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर एडजस्ट करोगे तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। कुछ कंपनी बोलते हैं लॉस आ गया तो लॉस दिखा खत्म कर देते हैं, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लोगे तो बेनिफिट मिल सकता है इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग भी। हर साल अगर प्रॉफिट आएगा तो उसको लॉस को कवर कर सकते हैं हम लोग। कोई भी कंपनी कहता है जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाती है अगर उसको लॉस आइटम दिखाने होते हैं तो हम लोग कैपिटल गेन में कहते हैं इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर लॉस आ रहा है तो उसको कैपिटल गेन के हेड में सब्सिक्वेंट ईयर्स में आप एडजस्ट कर लो, लॉस लेके मत चलो कि लॉस आ गया अपनी कैपिटल हमारे परफॉर्मेंस डाउन होगी। आप उसको कैरी फॉरवर्ड करो, जितना कैरी फॉरवर्ड करोगे आने वाले साल में प्रॉफिट जब आएगा उसको उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी कंपनी कहता है एसेट को बेचती है कई बार उसको कहते हैं बेनिफिट हो जाता है, तो बेनिफिट को बैलेंस शीट में दिखाता है कि प्रॉफिट हो गया तो बेनिफिट हुआ तो उसको रिजर्व वगैरह में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा कि तभी जरूर थोड़ी प्रॉफिट में दिखाना रिजर्व में कन्वर्ट कर दो वो फ्यूचर में रिजर्व आपके काम आएंगे जब भी कंपनी का लॉस होगा। उसके बाद कंपनी में अनयूज्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड लॉसेज ऐसी चीज़ें चलती रह जाती हैं। अनयूज डेप्रिसिएशन जिन चीज़ों की आज हमें पता है कि डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत भी नहीं है, पहले तो एसेट पहले ही डाउन हो जाती है। एग्जाम्पल कोई एसेट ले आओगे शोरूम से बाहर आओगी आधी कीमत हो जाती है, हम लोग उसको अनयूज बेस पे ऐसे डेप्रिसिएशन लगाते चले जा रहे हैं। अगर पहले साल में उसकी वैल्यू को डाउन कर दिया जाए कि एसेट जो आई इतनी परसेंट खत्म हो गई है तो बेनिफिट अगले सालों में नहीं होगा, आज ही आपको बेनिफिट मिल जाएगा, इनकम टैक्स में आपको ज़्यादा टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स एसेट, इनकी कहता है रीअसेसमेंट कैसे कर सकते हैं, जो चीज़ें हम देख सकते हैं कि आज की हम देखते हैं इसमें पैराग्राफ इन्होंने 15 to 18 पॉइंट दिखाए हैं। कोई कंपनी ऐसी है अनरिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स एसेट ईच बैलेंस शीट, हर एक बैलेंस शीट में अनरिकॉग्नाइज डेफर्ड एसेट दिखा देती है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने बोला कि इट हैज़ बिकम रीजनेबल सर्टेनिटी वर्चुअल सर्टेन डेट केस मे बी देयर विल बी इनफ फ्यूचर टैक्सेबल इनकम पॉइंट। दोबारा से घुमा घुमा के इन्होंने वही किया है कि आपको डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। रिकॉग्नाइज करने का मैंने आपको पहले चीज़ बता दी कि आज मान लो कोई मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाई है, आज लोग उसको बहुत पसंद करेंगे, बहुत लोग पसंद करेंगे, मे बी आपका सामान को खरीदेंगे भी, तो उतना ही खर्चा डाल दो। अगले साल में कम लोग करेंगे आपको प्रॉफिट कम होगा तो थोड़ा सा खर्चा कम कर दो, अगले साल में फिर प्रॉफिट कम होगा तो कम कर दो। मीन जब आपको दोबारा पता है कि आज जो मैं एडवर्टाइजमेंट करवाऊंगा उसका खर्चा मुझे 2 साल बाद करना है तो उस खर्चे को 2 साल में बांट लो तो बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको पता है 3 साल में दोबारा आपको ये काम करना है 3 साल में बांट लो तो बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है, टैक्सेबल इनकम में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर पहले साल में सारा खर्चा पे अगले 2 साल में आपको टैक्स भरना पड़ेगा, अगले 2 साल में आपको उसका कोई बेनिफिट ही मिलेगा, आप खर्चा बार बार नहीं डाल सकते। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आज डाल दिया, अगले 2 साल में एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे नहीं आप लोग, अगर उसको डेफर टैक्स बेस पे यूज़ कर लोगे तो 3 साल में वो बेनिफिट आपको मिल सकता है। यूजिंग द रेलिवेंट टैक्स रेट्स एंड लॉ, अगर आप कहते हैं इनकम टैक्स के लॉ को यूज़ कर लो आपको बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि कंपनियां लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं, प्रॉफिट को एडजस्ट कर सकती हैं पिछले साल के लॉस के साथ तो बेनिफिट हो सकता है। कंपनियां लॉस दिखा देती हैं, अपने शेयर होल्डर की वैल्यू कम कर दी, अगले साल फिर नए सर्टिफिकेट शुरू हो जाते हैं, वो कंपनियों को वैल्यू के ऊपर इफेक्ट डालता है, गुडविल भी डाउन होती है। अगर लॉस आया आप कंपनियां बोलो कि हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे भी आने वाले सालों में प्रॉफिट से कवर करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको कहता ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा टैक्स रेट्स अडोप्टेड टैक्स लेगेशन सेपरेटली यूज टू कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स एंड लेबिलिटी, हमारी कंपनी में टैक्स रेट को आप यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से टैक्स रेट्स हैं उन स्लैब के अकॉर्डिंग अपने पैसे को यूज़ कर लो तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इट इज़ नॉट ए गुड आइडिया टू डिस्काउंट डेफर टैक्स, इज ए गुड आइडिया नहीं है कि आप करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग आज के टाइम हमारा जो हम खर्चा होगा उसको यूज़ कर लें, उसका आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है।
अगर एक साल में आपकी इनकम ज्यादा कम हो जाएगी तो मे बी मार्केट में आपकी वैल्यू डाउन हो सकती है, प्रॉपर लेवल बनता चला जाएगा तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। फिर हमारे पास आ रहा है रिव्यू ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स। किसी भी कंपनी में बैलेंस शीट जब भी कोई कंपनी बनाती है उसमें डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी एग्जामिन व्हेन इट नॉट लॉन्गर रीजनेबली सर्टेन और वर्चुअल सर्टेन। कुछ चीज़ें आपने ऐसे ही डाली होती हैं जिनको अगर हमने मॉनिटरी नहीं होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूँगी प्रीपेड एक्सपेंसिव, प्रीपेड लाइबिलिटीज, ऐसा कुछ खर्चे हैं तो उनको कहता है होना नहीं चाहिए, उसका आपको बेनिफिट थोड़ी है। आपकी बैलेंस शीट में कोई चीज़ पड़ी आपने एसेट साइड में डाली हुई प्रीपेड एक्सपेंसिव, वो आपके बेनिफिट वाले होने नहीं, उन चीज़ों को खत्म करने का बेनिफिट है। तो आपकी बैलेंस शीट आपके बिजनेस की ट्रू पिक्चर तब दिखा सकती है जब आपके पास वो चीज़ें सर्टेनिटी में अवेलेबल है। ज़्यादा चीज़ें लिक्विड एसेट में होंगी तो बेनिफिट ज़्यादा होगा, और बहुत सारी एसेट्स ऐसे दिखाई हुई जैसे मान लो कि जैसे लीज में कोई चीज़ ले ली थी बिल्डिंग, वो बिल्डिंग तो किसी और की है, आपने तो ठेके में ली हुई है, तो आपकी वो फिक्स एसेट कैसे हो गई, तो इन चीज़ों को देखना जरूरी होता है। मतलब अगर हम सर्टेनिटी चीज़ों पर एक्चुअल में दिखाएंगे उन चीज़ों को तो बेनिफिट ज़्यादा होने वाला। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी कंपनी की बैलेंस शीट या फिर करंट टैक्स किसी कंपनी का दिखाने चले जा रहे हो तो हमेशा एसेट्स और लायबिलिटी में करंट टैक्स इनकम को हमेशा मेंटेन करी चलिए। आपकी एसेट जो आपकी अपनी है उनको दिखाइए, जो किसी से आपने लीज पे लिए हैं पे लिए उनके खर्चों को दिखाइए तो आपको बेनिफिट उसका ज़्यादा हो सकता है। डेफर टैक्स लायबिलिटी हमेशा कंपनी में दिखाइए और इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग दिखाएंगे तो उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा होगा। क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि जो भी अकाउंट्स आप दिखा रहे हैं उसमें ब्रेक डाउन आपने कैसे लिया है, तो कैसे बांटा खर्चों में उस साल के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। फिर है ट्रांजिशनल प्रोविजंस। कोई भी कंपनी अगर ऐसे ट्रांजेक्शन करती है इसकी प्रोविजंस बनी हुई हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कंपनी में ओपनिंग बैलेंस भी होते हैं क्लोजिंग बैलेंस भी होते हैं, उन प्रोविजन को भी आप दिखाइए एक चीज में। ज़्यादातर कंपनी में ऐसे कोर्स शीट बनाते हैं तो दिखाते ही नहीं कि वर्क इन प्रोसेस क्या है, ओपनिंग क्या था, क्लोजिंग था, हम सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग लेके चल जाते हैं, वर्किंग प्रोसेस को भी साथ में लेके चले तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिल सकता है। क्रेडिट और रेवेन्यू को हमेशा अलग से चीज़ों को दिखाइए, जो चीज़ें आपको पता है कि अभी उधार में है अभी मिला नहीं उसको पहले दिखाने की जरूरत क्या है। हम बोलते हैं अपनी इनकम दिखा देते हैं कि अकुमलेटेड इनकम है, हमें इनकम फ्यूचर में मिलने वाली जाती है, तो उस इनकम दिखाओ ही मत, आपको मिली ही नहीं है तो क्यों दिखाना चाहते हो, मिली तो फ्यूचर में तो अगले साल में दिखाएंगे तो अगले साल में ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है उसका। उसके अलावा अगर आपके बिजनेस में स्ट्रेट लाइन टेक्निक्स डेप्रेशन यूज़ की जाती है उसके रीजन आप क्लियर कीजिए कि आपके मोस्टली कंपनियों में कहता है रिटर्न डाउन यूज़ करते हैं, कम कम वैल्यू कम करते हैं, जबकि आपको स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो एसेट्स आपने खरीदी हैं भाई वो एसेट्स शोरूम से निकलने के बाद ही उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। स्ट्रेट लाइन में एकदम से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है कि एकदम से वैल्यू कम हो जाएगी, हर साल उतने साल से कम करोगे, रिटर्न डाउन में तो कम होता है, रिटर्न डाउन में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बर्डन भी बहुत बढ़ता है, तो एडवांस काउंटिंग यही बोलते हैं कि मेथड अगर स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे तो उसका बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है आपको। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला था कि कोई भी कंपनी बैलेंस शीट्स कुछ ऐसे होते हैं बैलेंस शीट में टैक्सेशन दिखाते हैं जो अकाउंटिंग रूल्स में कई बार प्रॉपर हो ही नहीं पाते, आपके टैक्सेशन में डिफरेंस आ जाते हैं, आप लोग दिखाना कुछ और जाते हैं कुछ और। अगर इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे जिन चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हैं उनको एडजस्टमेंट में लेके आइए तो आपका बेनिफिट उसमें ज़्यादा हो जाएगा। ये टॉपिक इन्होंने सिर्फ मोस्टली बनाया जो है एडवांस अकाउंटिंग का बना तो दी गई है, लेकिन पॉइंट एक दो ही इसमें क्लियर किए गए हैं, उनको डेफर टैक्स वाले को क्लियर किया उन्होंने, जो आपके कंपनियों में कैपिटल गेन में लॉस आते हैं अगर कहता हूँ उनको साल भर दर साल आगे कवर करोगे स्टेप बाई स्टेप प्रॉफिट के साथ तो बेनिफिट हो सकते हैं। यही इसमें कोई मेन काउंट था, अगर 10 नंबर क्वेश्चन आपको दे भी दें तो यही पूछ सकते हैं सबसे पहले तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसिव क्या हो सकते हैं, इनको कंपनी में कैसे यूज़ किया जा सकता है, या फिर एडवांस काउंटिंग में इनका क्या बेनिफिट हो सकता है, कैपिटल गेन का क्या बेनिफिट हो सकता है, ये क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है।